विभागीय निर्देशानुसार चंद्रकियारी प्रखंड में सभी विद्यालय एवं आंगनबाड़ी में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है। कस्तूरबा गांधी उच्च विद्यालय चंद्रकियारी में इसका कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन विधायक स्वास्थ्य प्रतिनिधि अमित कुमार सेन बंशी एवं डॉक्टर उज्जवल कुमार शील के द्वारा किया गया। स्वास्थ्य प्रतिनिधि के द्वारा बताया गया कि यह राष्ट्रीय कार्यक्रम साल में दो बार किया जाता है। बुधवार को सभी आंगनबाड़ी एवं सभी सरकारी स्कूल, निजी स्कूल आदि जगहों पर एल्बेंडाजोल की दवा 1 से 19 वर्ष बच्चों को दवा दी जा रही है और जो बच्चे छूट गए हैं उनको 29 सितंबर 2023 को मॉप अप दिवस मनाया जाएगा। उस दिन छूटे हुए बच्चों को दवा खिलानी है। साथ में ये भी बताया गया 1 से 2 वर्ष के बच्चों को आधा गोली चूरकर पानी के साथ एवं 2 से 3 वर्ष के बच्चों को एक गोली चूरकर पानी के साथ, 4 से 5 वर्ष के बच्चों को एक गोली चबाकर पानी के साथ, 6 से 19 वर्ष स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों को आंगनबाड़ी में सेविका के माध्यम से दवा खिलाई जानी है, 6 से 19 वर्ष स्कूल जाने वाले बच्चों को शिक्षक के माध्यम से एल्बेंडाजोल की दवा दी जानी है, अधिक तबीयत खराब रहने वाले बच्चों को दवा नहीं दी जानी है। मौके पर BPM विजेंद्र लाल, ANM लक्ष्मी कुमारी, हेल्थ वर्कर मानिक चंद्र, अन्य स्वास्थ्य कर्मी एवं कस्तूरबा गांधी उच्च विद्यालय चंद्रकियारी के वार्डन एवं अन्य शिक्षिका उपस्थित थी। चंद्रकियारी से जावेद अख्तर। दवा तो साल में दो बार दिया जा रहा है क्योंकि ये बरसात का मौसम है, खास करके पानी का जो दूषित रहता है पानी, और उसमें से कीड़ा का वार्म का इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहता है, इसलिए एक बार इस टाइम दिया जाता है, एक बार फरवरी महीने में दिया जाता है, ताकि बच्चा का और स्कूल में पढ़ने वाले जितने बच्चे हैं या जो भी बच्चे हैं टीबी से मुक्त रहें। कितने बच्चों के बीच आज दवा वितरण किया सर? आज यहाँ पर कस्तूरबा गांधी विद्यालय में जितना बच्चे सारे बच्चे को दिया गया। ये अभियान कब से कितना दिनों से कितना दिनों तक चलेगा सर? ये अभी 3 दिन चलेगा। इसमें जो है साल में दो बार दिया जाता है कृमि का दवा, जो ऐसे कस्तूरबा गांधी विद्यालय हुए आंगनबाड़ी हर स्कूल में जो है बच्चे लोग को खिलाए जा रहे हैं, ताकि जो कृमि हो वो कृमि जैसे फैले नहीं, इसीलिए हर स्कूल, हर गांधी विद्यालय जो स्कूल है उसमें आंगनबाड़ी केंद्रों में खिलाया जा रहा है। साल में दो बार ही खिलाया जाता है ताकि बच्चों अपना स्वस्थ रहे, इसलिए हर स्कूल में हम लोग जा करके हमारे PM साहब हैं और डॉक्टर साहब हैं और स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मी लोग हैं सब हम लोग आए हुए हैं। कृमि मुक्त हो इसके लेकर के क्या तैयारियाँ? तैयारी तो बहुत ज़ोरों से चल रही है, ये राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस है, इसीलिए हर स्कूल में जो है एक गाइडलाइन बना हुआ कि हर स्कूल में सब बच्चों को खिलाना बहुत ज़रूरी है, और आंगनबाड़ी में भी सेविका सहिया सभी लोगों को गाइडलाइन दिया गया है कि हर स्कूल में जैसे बच्चा कोई छूटे नहीं। चंद्रकियारी प्रखंड में कितने से आंगनबाड़ी केंद्र या स्कूल में आज ऐसा कार्यक्रम चलेगा? अभी तो सबको गाइडलाइन भेजा गया है, ये 3 दिन से कार्यक्रम चल रहा है और 3 दिन इसमें चलेगा। जैसे आज हम लोग कस्तूरबा गांधी विद्यालय में खिलाएँ और लोग जो सेविका सहिया लोग हैं उसको भी PPM साहब द्वारा सबको चिट्ठी दिया गया है ताकि जल्द से जल्द सभी को जैसे हर भी खिलाया जाए। ओके।